सितंबर। नौ सितंबर। बहुत अच्छे बच्चों, आज का विशेष क्या है? पता नहीं सर। सर आज हिंदी दिवस है। बहुत अच्छे आरुष, इसीलिए आज हम शुद्ध हिंदी में ही बात करेंगे, इंग्लिश का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सर आप भूल गए, इंग्लिश में हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं, इंग्लिश नहीं। भूल तो तुमने भी करी है स्नेहांशु, सर तो अंग्रेजी शब्द है, तुमने सर बोला, गुरुजी बोलना चाहिए। सॉरी, हम अंग्रेजी को इतना इस्तेमाल करते हैं कि हम उसे चाहे या न चाहे किसी न किसी तरीके से उसका उपयोग कर ही लेते हैं। हाँ गुरुजी, बात तो सही है। हाँ गुरुजी, बात तो सही है। हाँ सर, बहुत अच्छी बात की। आपको पता है कि हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? हाँ सर, हम हिंदी दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हम हिंदी को हमारी राष्ट्रीय भाषा की तरह स्वीकारा गया था, यानी कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा बनी थी इस दिन, इसलिए। हाँ, शुद्ध हिंदी में बात करना का आइडिया बहुत अच्छा है। अरे नमन, आइडिया नहीं, विचार बोलते हैं। ओ सॉरी, मेरा मतलब है माफ करना। बहुत फनी। सर ये बहुत मजा आ रहा है हमें तो हर रोज हिंदी में बात करनी चाहिए सर, हमें मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, आज की क्लास बेस्ट क्लास है। हाँ आरुष, हमें पूरे साल हिंदी में बात करना चाहिए। और बच्चों आपको पता है, मैं जब छोटा था तब हमें भी यह ही बोला जाता था कि शुद्ध हिंदी में बात करो, हिंदी दिवस आता और हम शुद्ध हिंदी में बात करते थे और हम भी हिंदी बोलने के चक्कर में अंग्रेजी के कुछ शब्दों का प्रयोग करते थे, हम नए शब्द सीखते पर हम अगले दिन क्या करते, भूल जाते। हम शुद्ध हिंदी में सिर्फ आज के दिन ही नहीं, पूरे 365 दिन बात करना चाहिए। हमें हर दिन, हर घंटे और हर क्षण हमारे देश की भाषा और देश के लोगों से प्यार करना चाहिए, तभी हमारा देश का भविष्य उज्जवल होगा। हाँ सर, आज से तो मैं हर दिन हिंदी में ही बात करूँगा, शुद्ध हिंदी में। वो भी सर, जय हिंद, जय भारत। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सब ने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मी भाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेलती थी,
बरछी डाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी के गाथाइयां उसको जबानी याद थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी एक कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह झांसी की रानी कविता का एक हिस्सा है जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई थी, जो एक प्रसिद्ध भारतीय कवि थी और यह उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। धन्यवाद। संयुक्त संयोजता एक है और क्रोनिक संयोजता भी एक है। अब बताओ पोटेशियम और बेरिलियम की संयोजता क्या है? मैं इस प्रश्न के उत्तर के बारे में निश्चित नहीं हूँ। बेरिलियम की संयोजता 4 तथा 2 है और पोटेशियम की संयोजता 2 है, पर मुझे ये नहीं पता कि कार्बन कैसे बंधन बनाता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो? कार्बन इलेक्ट्रॉनों को सजा करके सहसंयोजक बंधन बनाता है। मुझे अब समझ में आ गया, धन्यवाद। क्या आप इसको एक बार समाधान करके बता सकते हैं? x is equal to 2, इसका उत्तर है। अब अक्षय 2p(3pq-5qt) का उत्तर बताओ। मुझे नहीं पता। 6pq²-10pqt। अक्षय तुमको पता होना चाहिए कि यह कैसे करना है। 3q(3q-5t) सही प्रश्न है और तुमने जो पूछा वो गलत प्रश्न था। सेल में आप सबसे अधिक क्या पाएंगे? अपराधी। अपराधी हम टेस्ट में तो फेल कर जाएंगे। मैं वैसे को मुनाका कुछ पता नहीं। आप स्फीयर की गणना के लिए फॉर्मूला बता सकते हो? सूत्र है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। मैं चुटकुला बताऊं? बताओ बताओ। हम पानी क्यों पीते हैं? बताओ बताओ मुझे बताओ। क्योंकि हमें वो जीने के लिए आवश्यक होता है। नहीं 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 नहीं, क्योंकि हम उसे खा नहीं सकते, अपना दिमाग चला चला। वाह अक्षय, वाह 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 वाह। मुझे पता है, मैं बहुत सोडियम की संयोजता एक है और क्लोरीन की संयोजता भी एक है। अब बताओ पोटेशियम और बेरिलियम की संयोजता क्या है? मैं इस प्रश्न के उत्तर के बारे में निश्चित नहीं हूँ। बेरिलियम की संयोजता 4 तथा 2 है और पोटेशियम की संयोजता 2 है, पर मुझे ये नहीं पता कि कार्बन कैसे बंधन बनाता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो? कार्बन इलेक्ट्रॉनों को सजा करके सहसंयोजक बंधन बनाता है। मुझे अब समझ में आ गया, धन्यवाद। चलो हम भूगोल का अध्ययन करते हैं। हेलो 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 अक्षय, हेलो हेलो कहना बंद करो, हमें अभी पढ़ाई करनी है, हम तुम्हें सुन पाते हैं। चलो मुझे हवा की परतों का नाम बताओ। मुझे नहीं पता, मैं क्या करूँ? नाचूं? ये कोई तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो। हवा की परतों का नाम है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। आज मैं रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता रश्मि रथी का एक अंश प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का नाम कृष्ण की चेतावनी है। इस कविता में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं और युद्ध न करने का प्रस्ताव रखते हैं। यह कविता इसी प्रसंग को दर्शाता है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर
पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीन उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, मुझ पर दिबंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है, दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, त्रिघो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जगशर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुजाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित्सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जश्नु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल, संजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, निर्गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, हंस पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसे की भू पर वही प्रकर, फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूशाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खरे प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। महाभारत के काल में हस्तिनापुर के जन्मांध राजा दुर्योधन के पिता पांडु के छोटे भाई और पांडव भतीजे थे। नहीं सकते संजय किसके पापों का परिणाम है, किसकी यह भूल जिसका भीषण विषफल हमें मिला, वो अपराध है क्या मैंने कभी भी। शांत हो महाराज, जो हो चुका उस पे शोक करना अब व्यर्थ। रक्षा का और कोई उपाय न देखकर महाबली सुयोधन द्वैत वन के सरोवर में घुस गए और जल स्तंभित में छिपकर बैठ गए। जाने पांडवों को कैसे ये पता चल गया, वो तत्काल ही रथ पर चढ़कर वहां पहुंच गए। लीजिए महाराज, यही है द्वैत वन का सरोवर। वे ऐसी कहते थे कि उन्होंने दुर्योधन को इस जल में छिपते हुए देखा। ललका रहा है। कोई उत्तर नहीं। दुर्योधन,
अरे अपने सारे सहयोगियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाकर तू कायरों की भांति अपने प्राण बचाता फिरता है, तुझे लज्जा नहीं आती? लज्जा, उस पापी को लज्जा। भीम से तुम इसी अनहोनी बात की कल्पना भी कैसे के, जो अपने सगे संबंधियों को गाजर मूली की भांति कटवा सकते हैं, जो अपने भाइयों को जीव जलाने में नहीं हिचकता, जो अपने भाभी को भरी सभा में अपमानित करने में आनंद ले सकता है, उसे लज्जा की क्या परिचय? हंस लो दुष्टों, जितना जी चाहे हंस लो, पर ये मत भूलना कि मैं अभी भी जीवित हूँ और मेरी भुजाओं का बल अभी नष्ट नहीं हुआ है। अरे नीच, अब भी तेरा गर्व छूर नहीं हुआ, यदि बल है तो आना बाहर और हमें पराजित करके राज्य प्राप्त कर। वहां बैठे बैठे क्या वीरता बखनाता है, तू क्या समझता है हम तेरा तोते बातों से डर जाएंगे? अपने गुरुजनों बंधु बांधवों का निर्ममता से वध करने वाले महात्मा पांडवों की प्यास तो अभी तक बुझी नहीं होगी, यह मैं जानता हूँ। किंतु युधिष्ठिर, ये मत भूलना कि सुयोधन कायर नहीं, वह प्राण रहते तुम्हारी सत्ता कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो फिर आना बाहर, दिखा अपना पराक्रम। जिस कालाग्नि को तूने वर्षों घृत देकर उभारा है, उसके लपटों में साथी तो स्वाहा हो गए, उसके घेरे से तू क्यों बनना चाहता है? अच्छी तरह समझ ले, ये तेरी आहुति लिए बिना शांत न होगा। जानता हूँ युधिष्ठिर, भली भांति जानता हूँ, किंतु तुम ही सोचो, थक कर चूर हो चुका हूँ, मेरी सेना तीतर भीतर हो चुकी है, मेरा कवच फट गया है, मेरे शस्त्रास्त्र चूक गए हैं। तुम ही सोचो, मैंने भी तो तुम्हें 13 वर्ष का समय दिया था, मुझे भी थोड़ा और समय दो युधिष्ठिर। 13 वर्ष का समय दिया था दुर्योधन, तुम तो हमें वनवास दिया था, यह सोचकर कि 13 वर्ष वन में रहकर हमारा उत्साह टंड पर जाएगा, हमारा शक्ति क्षीण हो जाएगी, हमारा सहायक बिगड़ जाएंगे और तुम अनायास हम पर विजय पा सकोगे, इतना आत्मा प्रवंचन न करो। युधिष्ठिर, तुम तो धर्मराज हो, तुम्हारा दंभ है कि अधर्म ना हो, फिर तुम्हारी ही आंखों के सामने ऐसा अधर्म हो रहा है, सोचो तो। अच्छा, तो अब तुझे धर्म का स्मरण हुआ। सच है कि कायर और पराजित ही अंत में धर्म की शरण लेते हैं। युधिष्ठिर, तुम तो धर्मराज हो, तुम्हारा दंभ है कि अधर्म ना हो, फिर तुम्हारी ही आंखों के सामने ऐसा अधर्म हो रहा है, सोचो तो। व्यर्थ है दुर्योधन, तेरी यह सारी कूटनीति व्यर्थ है, अपने पापों के परिणाम से तो अब किसी प्रकार नहीं बच सकता, बाहर निकल कर युद्ध कर, बस यही एक मार्ग है। अरे पामर, तेरा धर्म तब कहां चला गया था जब एक निहत्ते बालक को सात महारथियों ने मिलकर मारा था, जब आधा राज्य को दूर सुई की नोक की बराबर भी भूमि देने के तुझे अनुचित लगा था, अपना अधर्म से इस पुण्य लोक भारत भूमि के द्वेष की ज्वाला दधका कर अब तू धर्म की दुहाई देते हो। धिक्कार है तेरे ज्ञान को, धिक्कार है तेरी वीरता। एक निहत्थे थके हुए व्यक्ति को घेर कर वीरता का उपदेश देना सरल है युधिष्ठिर, किंतु उसके लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा तो नहीं कर सकता। इस रक्त रंजीत सिंहासन पर बैठ के राज करने की मेरी कोई इच्छा नहीं, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर वार नहीं करूंगा, मैं तो वन में जाकर भगवत भक्ति करना चाहता हूँ। व्यर्थ है दुर्योधन, तेरी यह सारी कूटनीति व्यर्थ है, अपने पापों के परिणाम से तो अब किसी प्रकार नहीं बच सकता, बाहर निकल कर युद्ध कर, बस यही एक मार्ग है। अप्रस्तुत को मारने से यदि तुम्हें संतोष मिले तो लो युधिष्ठिर, मैं बाहर आता हूँ। मैं पहुँचता हूँ युधिष्ठिर, पता नहीं मेरे प्राण का नाश करके तुम्हें क्या ही मिल जाएगा। अरे पापी, यह प्राणों की इतना ही मोह
पाखंडी, तुझे झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती? ले लो राक्षसों, मेरे ये भी प्राण ले लो। जब जीवन भर प्रयास करते करते मैं एक घड़ी भी शांति से नहीं रह सका और एक बार भी अपनी कामनाओं को पूर्ण होते नहीं देख सका, तो अब इस जीवन का क्या फायदा? लो उठाओ शस्त्र और काट डालो मेरा शीश। इसी से तुम्हें संतुष्टि मिलती है ना? देख क्या रहे हो, ऐसा अवसर कभी नहीं मिलेगा, मैं निहत्ता हूँ। पहले वीरता का दम और अंत में करुणा का पीक, कायरों का यही नियम है। परंतु दुर्योधन, कान खुल कर सुन लो, हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं और तुम्हारी तरह अधर्म से हत्या कर हत्यारा भी न कहेंगे। हम तुम्हें कवच और अस्त्र देंगे, तुम जिस अस्त्र से लड़ना चाहो बता दो। हम में से केवल एक व्यक्ति ही तुमसे लड़ेंगे और यदि तुम जीत जाए सारा राज्य तुम्हारा। कहो, यह तो अधर्म नहीं है, स्वीकार है? इस दुराचारी के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल अनावश्यक है। मैं कह चुका हूँ युधिष्ठिर, मेरी विरक्त हो गई है, मेरी समझ में यह तो आ गया है कि अब प्राणों की तृप्ति की इच्छा व्यर्थ है। इस मरुस्थल में एक बूंद आएगी भी तो सूख कर चली जाएगी। युधिष्ठिर, तुम्हारी महत्वाकांक्षा के लिए तुम मुझे मार डालना। युधिष्ठिर, चलो यह भी एक प्रकार की इच्छा ही होगी। जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों की बलि दी उन्हें मैं मुंह तो दिखा सकूंगा। अच्छी बात है युधिष्ठिर, मुझे एक गदा दे दो, फिर मैं तुम्हें अपना पौरुष दिखाऊंगा। प्रकार महाराज, पांडवों ने वीरकृत सुयोधन को युद्ध के लिए विवश किया। पांडवों की ओर से भीम अपनी गदा लेकर रणभूमि में उतरे और दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। सुयोधन का प्रकाश देखकर सब चकित रह गए। ऐसा लगा था जैसे विजय श्री अंत में उनका ही वर्णन करेगी, पर श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने दुर्योधन के चंगा पर अपनी गदा से वार करा। सुर्योधन चिंकार करते हुए जमीन पर गिर गए। जब सुर्योधन भूमि पर आहत गिर गए तो पांडवों ने ज्वय ध्वनि करते हुए हर्ष में आते हुए शिविर की ओर लौटे। जब संध्या हुई तो पहले अश्वत्थामा आए। उन्होंने कुरुराज की यह दशा देखकर बदला लेने का प्रण लिया। उसके बाद युधिष्ठिर आए। वह नीचे झुके और शांत स्वर में बोले, दुर्योधन, दुर्योधन, आंखें खोलो भाई। कौन? युधिष्ठिर, तुम आए हो? अब क्यों आए हो? क्या चाहते हो? तुम राज्य चाहते हो, वह मैंने दे दिया। अब क्या लेने आए हो मेरे पास? ऐसा कौन सा धन है मेरे पास जिससे तुम्हें ईर्ष्या है? जाओ जाओ, दूर हो जाओ मेरी आंखों से। जीवन में तुमने मुझे चैन से ना ही जीने दिया, पर अब चैन से मरने तो दो युधिष्ठिर। तुमने गलत समझा दुर्योधन, मैं तो कुछ लेने नहीं आया, मैं तो देखने आया था कि अंतिम समय में किस तरह निस्सहाय पशु की भांति तड़प तड़प कर दम तोड़ता हूँ। मेरी मृत्यु का पर्व मनाने आए हो ना? मेरी आहों का आलाप सुनने आए हो ना? अरे निर्दय, किसने धर्मराज की संज्ञा दी है तुझे? जो सुख से मरने भी नहीं देगा वही धर्म का डोल पीते, कैसा अन्याय है? हाय रे मिथ्या मानी, अभी दया कर ढोंग नहीं छोड़ा। पर युधिष्ठिर, तनिक अपनी ओर तो देखो, पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए। मैं क्या
मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा, मैंने षड्यंत्र नहीं किया, मैंने गुरुजनों का वध नहीं किया। दुर्योधन नहीं सुयोधन कहो धर्मराज, सुयोधन क्या अभी तुम्हारी छाती ठंडी नहीं हुई? क्या मुझे मारकर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ? जो मेरी अंतिम घड़ी में मेरे मुंह पर मेरे नाम की खिल्ली उड़ा रहे हो, निर्दय, क्या ईर्ष्या में अपनी मानवता भी भस्म कर दी? चल पड़ी अपनी ये नाव है।